wait. So Sorry, I forgot. So I have to look at you or the camera? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ट्रेलर में लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है क्योंकि मेरे हिसाब से मिर्ज़ापुर एक बहुत ही मज़ेदार शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है. आई एम श्योर इट विल बी समथिंग दैट पीपल विल वांट टू बिंज वॉच एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द एपिसोड्स कमिंग आउट ऑन 16 नवंबर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मामी हैज़ गिवन अस द स्पेस टू प्रीमियर आवर शो. मिर्ज़ापुर एक जगह है जहाँ पे विच इज़ नोन फॉर कारपेट्स, यूपी में एक जगह है. तो लेकिन हमने जो वर्जन दिखाया है मिर्ज़ापुर का शो में वो थोड़ा फिक्शनलाइज्ड वर्जन है. लेकिन हाँ, एक कारपेट सेलर हैं, कारपेट बिजनेसमैन हैं जो पंकज त्रिपाठी प्ले करते हैं और मैं उनकी वाइफ का रोल करती हूँ. बहुत ही लकी. इनफैक्ट आज ही मिर्ज़ापुर के बाद मेरी एक और फिल्म प्रीमियर हो रही है मामी में, जिसका नाम है हामिद. तो अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ देखने जाइएगा. सो देयर इज़ नॉट ओनली मंटो एंड मिर्ज़ापुर, बट ऑफकोर्स मंटो एंड मिर्ज़ापुर आर वेरी वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट्स टू मी. एंड मिर्ज़ापुर स्पेशली उसकी खास वजह ये है कि जो रोल मैं मिर्ज़ापुर में कर रही हूँ वैसा रोल मुझे अभी तक मिला नहीं है, मतलब वैसा टाइप का रोल. बहुत ही अलग कास्टिंग की है कास्टिंग डायरेक्टर्स ने, अभिषेक और अनमोल ने, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम दैट दे हैड द इमेजिनेशन टू कास्ट मी इन अ रोल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई नॉर्मली गेट कास्ट. आज ही हामिद, आज शाम को हामिद प्रीमियर होने वाली है. इसके बाद एक सीरीज़ है जिसका वर्किंग टाइटल अभी दिल्ली पुलिस है. एक इंडियन कनेडियन डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, शिफाली शाह है उसमें, आदिल हुसैन है, और इंडियन प्रोड्यूसर्स और अमेरिकन प्रोड्यूसर्स ने को प्रोड्यूस किया. मिर्ज़ापुर आई थिंक मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स है, और इसमें जो मुझे कभी ना एक्शन करने को नहीं मिला तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी. आई रिमेंबर जब हम एक ऐसा सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें मैं एक्शन कर भी नहीं रही थी अभी, बट आई वाज सो वो जो एक रश होता है जब देखते हो किसी को पिटते हुए. एंड आई थिंक लाइफ सिंपल होनी चाहिए बट जो हम किरदार निभाते हैं उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्रामा होना चाहिए. तो मिर्ज़ापुर में बहुत सारा ड्रामा है, गन्स है, मारना है. एंड इट्स व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ कि जिस तरह से लोग मर भी रहे हैं, आराम से नहीं मरते यहाँ पर, लोग अलग ही स्टाइल से मरते हैं. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर मिर्ज़ापुर. पेट में बहुत सारा गुड़गुड़ हो रहा है एंड नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट ये इतना जो राइटिंग है दैट इज़ अ हीरो फॉर मिर्ज़ापुर, जो कि पुनीत जी यहाँ पर हैं, उन्होंने लिखी है और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है कि मैंने दो एपिसोड्स पढ़ के ही बोल दिया था कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो मेरा किरदार का नाम है गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू गुप्ता, तो पूरी सीरीज में सब उसको गोलू के नाम से जानते हैं. एंड शी इज़ द वॉइस ऑफ रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर. तो मिर्ज़ापुर में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा वायलेंस है, बहुत सारा ड्रामा है, खून खराबा है, बट शी इज़ वन पर्सन हु बिलीव्स कि अगर बातों से या शांति से कोई भी चीज़ सॉल्व हो सकती है तो वैसे क्यों ना करें. सो एंड यू विल सी अ ग्रोथ, अ ग्राफ, हाउ शी स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी स्वीट स्टूडियस सिंपल गर्ल एंड देन बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस क्या होता है. थैंक यू सो मच. With my association with Mami. So I've been coming to Mami since last year and I absolutely love the films because you don't get to see these films otherwise. And this, so like we have other festivals like those 7 days festival, this is the kind of festival which is, again, it's
something people come together to watch good cinema, world cinema, every kind of film is there. So yeah, so I've been coming here since 2 years. Okay, आज आप कौन सी फिल्म देखने वाली हो? अपनी देखने वाली हूँ ऐसे तो पहले. And then yeah, there's a list, so I'm gonna go through the brochure and you know, there's this film. Right now, forgetting the name, but then yeah, in days to come, I'm gonna watch. Or mostly, I'll try to watch as much as I can. इसमें सो ये वेब सीरीज में डिम्पी जैसे कि टैगलाइन भी है कि डर से डिम्पी डर से डरती नहीं. आई थिंक शी इज शी हैज़ अर ओपिनियन. शी फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द फैमिली. उसको इतना रियलाइजेशन है कि उसके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सही के साथ रहना भी इम्पोर्टेंट है. तो आई वुड से शी इज़ वेरी बैलेंस्ड दैट वे. भी आने वाला है. हाँ जी, पंचवीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. वो भी अभी शूट हो रहा है एंड इट्स बीन लाइक हाफ वे थ्रू. एंड अगेन इट्स अ यूथ स्पेस, तो उसमें एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है. मतलब वो एक बहुत ही स्वीट रोमांटिक हाई स्कूल टाइप, या वेरी हाई स्कूल टाइप, एंड दिस इज वेरी गन वन एंड ऑल दैट. सो टू डिफरेंट थिंग्स बट enjoying it. मैं एक्चुअली अभी तो जब आप ऑन एक्सप्लोर करने के बेसिस पर होते हो तो आपको चाहिए होता है हर तरह का कैरेक्टर करो. तो फिलहाल वही है मेरे साथ भी. आई थिंक आई एम कम्फर्टेबल. यू हैव टू गेट कम्फर्टेबल. अगर आपने कोई किरदार निभाने का सोचा है तो आपको कम्फर्टेबल होना ही पड़ेगा उसके में, अदरवाइज आप वो निभा ही नहीं सकते. थैंक यू. गुड. आपने देखा ट्रेलर कैसा लगा? मैं उसी पे खेल रहा हूँ ट्रेलर पे अभी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू होल्ड यार. सो आई डोंट नो, आई कांट से अभी क्या होगा, देखते हैं. आई थिंक लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिस्पॉन्स. अच्छा है. बहुत अच्छा है. अच्छा लगता है जब कुछ बाहर आता है, वो चाहे ऑडियंस को पसंद आए ना आए वो अलग बात है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमने बहुत काम डाला है इसमें. आई हैव नेवर वर्क सो हार्ड फॉर एनीथिंग बिफोर दिस. मिलन टॉकीज आ रही है, तिग्मांशु दुलिया की फिल्म है, उस पर कम्प्लीटेड है. इट्स गोना कम अर्ली नेक्स्ट ईयर. चलो चलो, मैं आता हूँ.